हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों को ज़रा अपने साथ लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ कि यूनिवर्सिटी में दिन कैसे गुजरता है। तो अभी तो मैं ऑफिस आ गई थी, लंच टाइम हो चुका है, लंच मैंने कर लिया है और अब मैं जा रही हूँ ज़रा सिटी सेंटर। सो जीसी उसे बाहर निकलते ही आप जैसे ही यूनिवर्सिटी के बाहर आते हो तो ये यहाँ पर रोड क्रॉसिंग है और राइट इन फ्रंट ऑफ द यूनि इट्स नाउ ग्रीन। लेट्स गो। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि जीसीयू में पढ़ते हैं और वो दूर स्टे करते हैं, जैसे कि स्टर्लिंग एडिनबरा से कुछ स्टूडेंट्स आते हैं। तो ये जो ये वाला जो बस स्टेशन है, बकैनन बस स्टेशन, यहाँ पर इंटरसिटी बसेस आती हैं, यानी कि अगर आप सिटी के बाहर से कहीं से भी ट्रैवल कर रहे हो दूर से तो बसेस सारी इस बस स्टेशन पर आती हैं। तो यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने है, आपने देखा है, तो आप बहुत आसान होता है, बस उतरते ही आप डायरेक्ट 2 मिनट में यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हो। इसके अलावा बहुत सारी जो विद इन सिटी बसेस हैं वो भी इसी बस स्टॉप से चलती हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझसे पूछते रहते हैं कि जॉब्स अगर हमने करनी हो तो सिटी सेंटर में ज़्यादा ऑप्शंस हैं। तो सिटी सेंटर में डेफिनेटली ज़्यादा ऑप्शंस हैं और आप जीसीयू में पढ़ते हुए तो बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हो क्योंकि जीसीयू बिल्कुल सिटी सेंटर में ही है। तो अगर आपको पास में ही कहीं पर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो आप उसको ज़रूर अवेल भी कर सकते हैं। तो ये एक काफ़ी बड़ा सारा डिज़ाइनर स्टोर है। तो ये मेरा यूजुअल रास्ता है जब मैं आती हूँ और यहाँ पे आप देखिए सारी ये वैलेंटाइंस की जो चीज़ें हैं वो इस वक्त निकल आई हैं बाहर। मैं ज़रा सामान रिटर्न करवा दूँ। सो आई एम हेडिंग टूवर्ड्स नेक्स्ट और नेक्स्ट पे मुझे चीज़ें वापस करनी हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे चीज़ें वापस करना कितना आसान है। सो हियर्स माय रिटर्न डन। जस्ट 1 मिनट इट टेक्स, लिटरली 1 मिनट। यू डोंट हैव टू शो एनीथिंग एज लॉन्ग एज यू हैव द टैग्स ऑन एंड यू हैवंट यूज्ड द स्टफ एंड यू हैव द रिसीट। यू जस्ट हैव टू गिव दैट ऑल ऑफ दैट टू देम और वो स्कैन करते हैं, रिटर्न करते हैं और पैसे जो होते हैं आपके वो आपके बैंक कार्ड में आ जाते हैं। So it takes literally no time in returning stuff. तो बहुत ही अच्छा सिस्टम है यहाँ पर। कुछ ब्रांड्स तो इवन आपको 3 महीने का भी टाइम देते हैं टू रिटर्न, बाकी ब्रांड्स का मोस्टली 1 महीने का टाइम होता है। विद इन 1 मंथ आप चीज़ें जो हैं वो रिटर्न कर सकते हैं। एंड आई एम बैक इन यूनी। यहाँ पर लाइट बहुत अच्छी है तो मैंने सोचा कि यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो को बनाते बट स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो आई कांट स्पीक लाउड। मैं जाती हूँ अपने ऑफिस में और ऑफिस में जाके आप लोगों से बात करती हूँ। भाई तो हाँ जी, मैं वापस आ गई हूँ अपना सामान वापस करवाने के बाद। रिटर्न्स मैंने सारी कर दी जो मैंने करनी थी। तो मैंने आज आप लोगों से बात ही करनी थी कि मुझे काफ़ी मैसेजेस आए कि फैमिली सपोर्ट हम करना चाहते हैं अपने पेरेंट्स को तो किस तरीके से हम कर सकते हैं, पीछे पैसे भिजवाने हों या मतलब हम कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि आपको पता ही है पाकिस्तान के हालात इस वक्त क्या हुए हैं और हम खुद भी यहाँ बैठकर बहुत परेशान होते हैं पीछे अपनी फैमिलीज़ के लिए और जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको भी मतलब एक बहुत उनके लिए उनके दिल में ये कंसर्न है कि
हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं पाकिस्तान में, तो हम किस तरीके से ज़्यादा सपोर्ट कर सकेंगे, क्या हम इतने पैसे कमा लेंगे कि हम अपने पेरेंट्स को पीछे जो है वो सपोर्ट कर सकें। तो देखें, मैं आप लोगों के साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगी। जो बैचलर्स वाले स्टूडेंट्स हैं ना, जो कि आ रहे हैं, जिनका 3 या 4 साल की डिग्री होती है, फिर अगर आप किसी बहुत ही लो फी यूनिवर्सिटी में भी मानो कि आपने एडमिशन लिया, जैसे BPP हो गई, अगर आपकी 10-11 हज़ार भी फीस है, तो मतलब सबसे लोएस्ट जो फीस वाली यूनिवर्सिटी है बैचलर्स की, उसकी भी एक साल की फीस 11,000-10,000 pounds तो आपकी होगी होगी ना। तो आपने 3 साल देनी है इतनी, मतलब आप कहो कि 27,000-30,000 pounds आपके पूरी डिग्री के पैसे हैं जो आपने देने हैं, तो वो बहुत ज़्यादा फीस हो जाती है। ठीक है, फिर बैचलर्स वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका एक क्लासेस ज़्यादा दिन होती हैं वीक में। ठीक है, मास्टर्स वालों की तरह उनका स्केड्यूल नहीं होता कि हफ्ते में 1 या 2 दिन क्लास होगी, वो ज़्यादा दिन जाते हैं। फिर उसके बाद उनका जो असाइनमेंट्स का लोड है वो भी ज़्यादा होता है, जैसे कि उनकी प्रेजेंटेशंस हो रही हैं, एग्जाम्स हो रहे हैं, ठीक है, एक मिड हो रहा है, एक फिर एक मतलब एक 8 weeks के बाद एक वो देते हैं, ऑलमोस्ट 6-7 weeks के बाद एक असाइनमेंट देते हैं, फिर 12 weeks के बाद एक देनी होती है। तो बहुत ज़्यादा उनके बहुत चीज़ें हो रही होती हैं डिग्री में भी, मतलब वो जॉब के लिए भी उतना टाइम नहीं निकाल पाते जिस तरह के एक मास्टर्स वाला स्टूडेंट निकाल सकता है, बिजी स्केड्यूल होता है। फिर अगर आप फेल हो जाओ, खुदा ना खास्ता आप ज़्यादा टाइम जॉब पे देने लग गए और आपने पढ़ाई को तवज्जो नहीं दी, आप फेल हो गए किसी एक ट्राइमेस्टर में, अगर आप फेल हो जाओ या आप अटेंड ना करो क्लासेस, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि यूनिवर्सिटी आपको आपका वीज़ा जो है वो कर्टेल करवा सकती है, यूनिवर्सिटी आपका कैश विड्रॉ कर सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें बैचलर्स वालों के साथ होती रहती हैं और उनके लिए फीस अरेंज करना ही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। तो फैमिली को सपोर्ट करने की बात तो काफ़ी पीछे रह गई। तो बैचलर्स वाले स्टूडेंट्स को मैं यही रिकमेंड करूंगी कि आप अपने माइंड में ये बात बनाकर मत आएं कि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकेंगे। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मैंने अपनी फीस देनी है, और फीस में आसानी के लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप कोशिश करें मैक्सिमम जितनी फीस अपनी आप पहले पे कर सकें। ठीक है, अगर आप 1 साल की दे सकते हैं, यानी कि 10,000 pounds तक अगर आप दे सकते हैं, वेल एंड गुड। अगर आप उससे ज्यादा दे सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए। आपने अपनी मैक्सिमम कोशिश करनी है, जितनी ज़्यादा फीस आप दे लें उतना ही ज़्यादा कम बर्डन पड़ेगा। ठीक है, आपके पास चलें ये आसानी होती है कि आप समर्स पूरा लगा के सेविंग कर सकते हो, फिर क्रिसमस आप लगा सकते हो, ईस्टर अब आने वाला है, ईस्टर पे छुट्टियां मिलती हैं, और हर ट्राइमेस्टर के बाद जो एक छुट्टियां होती हैं 2 हफ्ते की, जैसे आजकल हुई हुई हैं, ट्राइमेस्टर खत्म हुआ है तो ब्रेक आई हुई है 2 हफ्ते की, तो उसके अंदर भी आप जो है वो फुल टाइम काम कर सकते हो, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज थोड़ी सी ज्यादा हो जाती हैं। लेकिन फिर भी एज कम्पेयर्ड टू मास्टर्स वालों के मुकाबले में आपके लिए ज्यादा मुश्किल है अरेंज करना और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना। तो मैं यही कहूंगी कि बैचलर्स वालों के लिए तो पॉसिबल नहीं है जब तक वो अपनी पढ़ाई करें। एक दफ़ा आपकी डिग्री पूरी हो जाए, आपका फीस का बर्डन ख़त्म हो जाए और आप PSW पे शिफ्ट हो जाओ, देन डेफिनेटली आप अपनी फैमिली को बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप फुल टाइम काम कर रहे होंगे, आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, जैसी मर्जी जो आप करें, जैसे मर्जी आप लोग जो है वो अपना काम कर सकते हैं। और बैचलर्स वालों के लिए एक ड्रॉबैक ये भी है कि वो अपनी फैमिली साथ नहीं ला सकते, यानी कि अगर लड़कियां आ रही हैं तो वो मैरिड भी हैं तो वो अपने स्पाउस को साथ नहीं ला सकती, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है मेरी नज़र में। यही चीज़ से मैं कंटिन्यू करूंगी मास्टर्स वालों के लिए। मास्टर्स वालों के लिए कंपैरेटिवली फैमिली को सपोर्ट करना आसान है, पॉसिबल है, इसलिए कि उनकी डिग्री एक तो बहुत कॉम्पैक्ट होती है, 1 साल की डिग्री होती है और 1 साल की ही फीस होती है, तो उसमें से अगर कोई स्टूडेंट 50% या 60% पे करके आ रहा है तो उनके ऊपर बहुत कम बर्डन होता है फीस पे करने का, इजीली वो अपनी फी मैनेज कर पाते हैं। उसकी वजह ये है कि मास्टर्स वालों के ऊपर जो है उनकी एक तो क्लासेस हफ्ते में 1 या 2 दिन होती हैं मैक्सिमम, और उसके बाद उनका ये वाला सिस्टम भी नहीं होता, उनके कोई रिटर्न एग्जाम्स ज्यादातर नहीं होते इस तरीके से, बार बार प्रेजेंटेशंस और 2-2 दफा उनका जो है कोई कोर्स वर्क नहीं जाता, एक कोर्स वर्क उन्होंने सबमिट करना होता है एट द एंड ऑफ द ट्राइमेस्टर, पूरा ट्राइमेस्टर उनके पास होता है, आराम आराम से वो उस पर काम करते रहते हैं, उस तरीके से इतना बिजी और टाइट स्केड्यूल नहीं होता उनका। फिर तीसरा बड़ा बेनिफिट जो है मास्टर्स वालों को वो ये है कि वो मैक्सिमम मास्टर्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने साथ स्पाउस को लेकर आते हैं। ठीक है, और स्पाउस को जब आप लाते हो तो आपका स्पाउस जो है यानी कि जो डिपेंडेंट पे आ रहा है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, वो 40 hours a week काम कर सकते हैं, यानी कि उन्हें फुल टाइम वर्क अलाउ होता है।
तो वो एक बहुत बड़ी सपोर्ट हो जाती है आपको, क्योंकि अगर आप दोनों बंदे कमा रहे हो, आपके स्पाउस फुल टाइम काम कर रहे हैं और आप भी अपनी पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, तो समझो आपकी दो सैलरीज आ रही हैं और उसमें आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी फीस भी मैनेज कर सकते हो, फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हो और अपना भी थोड़ा बहुत कर सकते हो। ठीक है, जाहिर है मैं समझती हूँ कि फैमिली को सपोर्ट करने का हर एक का दिल होता है और पेरेंट्स का राइट भी होता है आपके ऊपर, लेकिन यहाँ पर भी आपको अपने लिए थोड़ी सी सेविंग और थोड़े से एक्सपेंसेस के लिए पैसे तो चाहिए होंगे। कभी आप कोई थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेते हो, कभी आपका बाहर से खाने को दिल चाहता है, ठीक है, आपकी ग्रोसरीज हैं, बिल्स हैं, उसके साथ साथ आपने फीस अरेंज करनी है, रेंट देना है। बैचलर्स वाला जो एक स्टूडेंट है वो अपने स्केड्यूल की वजह से, और बैचलर्स वालों का थोड़ा सा पे रेट भी कम होता है क्योंकि उनकी एज कम होती है, तो थोड़ा सा पे रेट भी फर्क होता है। वो मैक्सिमम 800 या 900 पाउंड कमा सकते हैं, 800-900 पाउंड, ठीक है, महीने के। और यही जो मास्टर्स वाले हैं, पार्ट टाइम जॉब में आप तकरीबन 600-700 पाउंड कमा लेते हो, और फुल टाइम अगर आपका स्पाउस काम कर रहा है साथ में, तो वो कमा लेंगे एनीवेयर बिटवीन 1300 से 1400 पाउंड। तो दोनों सैलरीज मिला के एक अच्छा आपका बन जाता है बजट, और आप उसमें से अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। दोनों तरह के स्टूडेंट्स, बैचलर्स वाले भी और मास्टर्स वाले भी, पहली प्रायोरिटी आप लोग अपनी फीस देने को रखें, क्योंकि ये भी आप एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अगर आप अपनी डिग्री को खुद से सपोर्ट करते हो, फीसेज निकालते हो, आप अपने आप को मैनेज कर रहे हो, तो आपके पेरेंट्स के लिए और आपके लिए खुद के लिए भी यही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होनी चाहिए कि एटलीस्ट यू आर इंडिपेंडेंट, यू आर पेइंग योर बिल्स एंड यू आर नॉट अ बर्डन एनी मोर ऑन एनी वन। तो उसके बाद ये कि आप जब थोड़ा सा और सेटल हो जाओ, एटलीस्ट जब आपकी फीस खत्म हो जाए, फिर उसके बाद आप अपने पेरेंट्स को जरूर सपोर्ट करें, अपने फैमिलीज को सपोर्ट करें, और आसानी होगी आपके लिए। बाकी बहुत जल्द मैं आपके लिए एक ग्रोसरी हॉल की वीडियो लेकर आने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि ग्रोसरी की प्राइसेस आजकल कितनी बढ़ गई हैं और कितनी महंगाई यहाँ पर भी हो गई है। तो ये बात ही मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक टूडेज वीडियो देन डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर दिस कॉन्टेंट, एंड आई विल सी यू गाइज वेरी सून इन अनदर वीडियो। बाय बाय।